दादरी में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने अकरम खान के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। रैली को संबोधित करते हुए कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। शैलजा ने कहा कि बीजेपी ने झूठ बोलकर राजनीति की है, बीजेपी सरकार में हरियाणा का कोई विकास नहीं हुआ है। शैलजा ने कहा कि हरियाणा में 2 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, बीजेपी कार्यकाल में आरक्षण के नाम पर खिलवाड़ हुआ है। लोकतंत्र में तो हम लोगों से झोली फैलाकर वोट की अपील करते हैं और मैं भाई अकरम जी के लिए हाथ जोड़कर सर झुकाकर वोट दिया। 10 साल भाजपा की सरकार आपने देखी, केंद्र में मोदी जी की सरकार देखी, आप तो चाहते थे कि इस बात भी बदले। जब मैं आई मैंने अपील की कि लोकसभा में भी कांग्रेस को जिताइए और आपने हमारी अपील को माना और आपने नरेंद्र जी को यहाँ से अपना सांसद बनाकर भेजा। आपकी इच्छा थी कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बने और मोदी जी से छुटकारा मिले, भाजपा से छुटकारा मिले। भाई विघ्नेश जी से ज्यादा कोई नहीं जानता गुजरात में क्या क्या हाल हुआ, कैसे लोगों के साथ धोखा हुआ। जो गुजरात मॉडल बेचा गया दुनिया को, देश को, वो खोखला था। इनकी सारी बातें खोखली थी। 10 साल तक इन्होंने हरियाणा में भी झूठ बोल बोल कर लोगों को बरगला कर